नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल V2 नर्सिंग पे। आज हम आपके सामने लेके आए हैं ANM का पोस्टिंग लेटर, जो कल हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था कि ANM जो पोस्ट 8853 के लिए ANM का जो नियुक्ति हुआ था उसका आज एक पत्र दिया गया है, जिसमें आवंटित जिला, पदस्थापित जिला के बारे में आपको बताया है कि आपको किस जिला में जाके अपना योगदान देना है। तो उसी कड़ी में यह लेटर आपके पास हम दिखाते हैं आपको, जिसमें दिया गया है विज्ञापन संख्या 521 के तहत ANM के जो संविदा कॉन्ट्रैक्ट पे जो बहाली हुई थी ANM की, उसके बारे में है। उसे किस जिला में जाके अपना योगदान देना है, ये उसके लिए लेटर दिया गया है। आप देख सकते हैं चयनित अभ्यर्थियों को एकमुश्त जो मानदेय है, जो वेतन होगा उसका, वो 11,500 होगा। और आपको सिविल सर्जन कार्यालय, आपको जिस भी जिला में आवंटित मिला है, आपको जहां योगदान देना है वहां पे आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल में जो सिविल सर्जन कार्यालय होगा वहां पे आपको योगदान देना है। ठीक है, तो आपको हम बताते हैं कि आपको वह कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, कब जाना है। ठीक है, आप देखिए इसमें लगभग 8000 कुछ 400 समथिंग कैंडिडेट का लिस्ट है, जिन्हें की पोस्टिंग मिला है। आप देखिए रोल नंबर, और आरती कुमारी जो पहले ये अभ्यर्थी है, आरती कुमारी है, MBC कोटे से चयनित किया गया है, और इसका जो आवंटित जिला है वो है पटना। ठीक है, इन्हें पटना मिला है, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से अनुराधा कुमारी है, EWS से चयनित हैं, बेगूसराय मिला है। आप देख लीजिए, आप अपना नाम इस लिस्ट में ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, और इसके माध्यम से आपको अपने ज़िला में जाके योगदान देना है। ठीक है, अब हम आपको वो लिस्ट दिखाते हैं, वो इनक्लोजर दिखाते हैं, जो कि आपको लेके जाना है सिविल सर्जन कार्यालय में, आपको योगदान देना है। आप देख सकते हैं वो पत्र है, आप देखिए 8517 कैंडिडेट का नियुक्ति पत्र है ये। आपको दिनांक 1 नवंबर 2022 से 30 नवंबर 2022 तक सिविल सर्जन कार्यालय में अपना योगदान देना सुनिश्चित करना है। ठीक है, 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आपको अपना योगदान कर देना है। उसके बाद आपको जो लेके जाना डॉक्यूमेंट्स है क्या है, आपको 1000 का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर लेके जाना है, और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है, जो कि किसी सिविल सर्जन के पदाधिकारी के द्वारा निर्गत किया गया हो। ठीक है, और आप जिला स्वास्थ्य समिति, आप जब सिविल सर्जन कार्यालय में जाएंगे तो वहाँ पे आपका एक एग्रीमेंट होगा, जो आप पेपर लेके जाइएगा, स्टाम्प पेपर, उस पर एग्रीमेंट होगा। ठीक है, और एग्रीमेंट के बाद अगर आप पहले से किसी सरकारी संस्थान में कार्य कर रहे हैं, अगर जो आप एज ए नर्स कहीं काम कर रहे हैं, किसी सरकारी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, या कहीं सरकारी संस्थान में काम कर रहे हैं, तो आपको उस ऑफिस से एक NOC बनवा लेना है। ठीक है, वहाँ के पदाधिकारी से, वह NOC जो है काफ़ी मान्य होगा। उसके बाद यहाँ पे एक निर्देश दिया गया है, यह जो नियोजन है पूर्णतः कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, 11 महीना के लिए, और आपका कार्य अगर जो संतोषप्रद होता है तो अगले 60 साल तक इसे बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, आप देखिए 5वां जो पॉइंट है इसमें है, चयनित अभ्यर्थियों का नियमितीकरण तथा पूर्ण नियोजन हेतु दावा मान्य नहीं होगा। आप इसे रेगुलर करने के लिए, परमानेंट करने के लिए आप दावा नहीं कर सकते। आपको जिला में जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। ठीक है, अब आपको लेके क्या क्या जाना है वो हम आपको एक बार बता देते हैं। आप देख लीजिए, आपको लेके जाना है अटेस्टेशन फॉर्म लेके जाना है आपको। ठीक है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स का अटेस्टेशन लेके जाना है, मैरिज डिक्लेरेशन लेके जाना है, वो दहेज जो होता है, दहेज जो जिसमें लिखा हुआ होता है कि हम दहेज के विरुद्ध हैं, इस प्रकार के डिक्लेरेशन आता है। उसके बाद 3 नंबर में है करेक्टर एंड एंटीसीडेंट सर्टिफिकेट लेके जाना है, एक करेक्टर ही होता है। ठीक है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि हम पिछले इतने सालों से हम इसको जानते हैं या यहाँ रह रहे हैं। ठीक है, 4था है सेल्फ़ वेरीफिकेशन फॉर्म, एक फॉर्मेट आएगा जो कि आपको सिविल सर्जन कार्यालय से प्राप्त होगा, आप उसे भर के देना है। 5वां है नॉमिनेशन डिक्लेरेशन फॉर्म,
आपको नॉमिनी में जिस भी आदमी को आपको रखना है उसका डिक्लेरेशन एक भर देना है आपको, वो आपको वहीं सिविल सर्जन कार्यालय में मिल जाएगा। और छठा है कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय सर्विस एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट आपके और जिला स्वास्थ्य समिति के बीच होगा वो एग्रीमेंट आपको देना है, ठीक है। और सातवा में है एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड, एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड बनेगा वो आपको चाहिए। और आठवा है स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज, ये जो है आपके पास कितना धन है, कितने गोल्ड हैं, कितने क्या है, कितना लैंड है, ये आपको एक फॉर्मेट में भर के देना होता है, ठीक है। और साथ में आपको दो फोटोग्राफ्स, एक पासपोर्ट साइज का दो फोटोग्राफ्स आपको साथ में लेके जाना है। उसके बाद यहाँ पे पुनः लिखा हुआ है एनएम को एकमुश्त 11,500 प्रतिमाह का भुगतान जो है कि जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। हम एक फॉर्मेट बना के आपको दे देंगे कि कौन सा सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।